लालपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। तलवार कुदाली से एक दूसरे पर हमला किया गया। आपको बता दें 9 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लालपुर थाना क्षेत्र के करम टोली अहिर टोली का ये पूरा मामला है, जहां दो गुट जो आपस में भिड़ गए जमीन विवाद को लेकर। एक दूसरे पर कुदाल चाकू तलवार सभी से वार किया गया। सभी अभी घायल हो गए। इसमें 9 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। और किस तरह से ये घटना हुई कि सभी 9 लोग इसमें काफी गंभीर रूप से घायल नजर आ रहे हैं। लालपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां जमीन विवाद में दो गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद इन दोनों में जमकर मारपीट हुई है। तलवार कुदाली सभी से एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और सीधे रुक करेंगे अपने सहयोगी इमरान का, जो हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। इमरान, लालपुर थाना क्षेत्र से भिड़ंत की खबर आ रही है, जहां दो गुट आपस में भिड़ गए जमीन विवाद को लेकर, ये मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, अभी क्या घायलों की क्या स्थिति है? देखिए, रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के एसएन यादव हॉस्पिटल के पास अहिर टोली है, उस जगह पर दो पक्ष सुबह के वक्त में आपस में भिड़ गए, जिसमें जमकर के मारपीट हुई है। इस मारपीट के दौरान तकरीबन एक दर्जन लोग जो हैं वो घायल हुए, हालांकि घायलों की जो संख्या जो गंभीर रूप से घायल है 9 है, और अन्य लोगों को छोटी मोटी चोटें आई हैं। हालांकि सूचना मिलने के बाद लालपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामला शांत तो करा दिया। लेकिन मामला जो है वो जमीन विवाद को लेकर के है। दो पक्ष जो थे वो आपस में गोतिया है, परिवार में आपस में रिश्तेदार है, और दोनों ही पक्षों में एक दूसरे पर आरोप लगाया कि रास्ते को लेकर के यह पूरा विवाद चल रहा था। पिछले कई दिनों से इस विवाद को लेकर के एक पक्ष के तरफ से लालपुर थाने में आवेदन भी दी गई थी, और इसी आवेदन के आधार पर दोनों पक्षों में जो है वो कार्रवाई भी चल रही थी। लेकिन सुबह में गड्ढा भरने को लेकर के दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान हरवे हथियार के रूप में कुदाल चावल तलवार सहित अन्य चीजों से प्रहार किया गया, हमले किए गए, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। किसी को सर पे चोटें आई हैं, किसी को हाथ पे चोटें आई हैं, किसी के जो शरीर के अन्य हिस्से पर चोट लगी है। कुदाल से भी हमला किया गया है, जिसमें सर और शरीर पर चोटें के निशान देखने को मिले। हालांकि इस पूरी घटना के बाद दोनों ही पक्षों के तरफ से लालपुर थाने में लिखित आवेदन दिए जा रहे हैं। पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है कि आखिर विवाद जो है वो कैसे शुरू हुआ और किस पक्ष के द्वारा इस पूरे विवाद को खड़ा किया गया। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर से देखा जा रहा था कि दोनों पक्ष के जो लोग हैं वो हरवे हथियार के साथ मौजूद थे, और इसी दौरान जमकर के मारपीट हो गई, जिसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को बेहतर इलाज के लिए पहले रांची के सदर हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद उनके बेहतर इलाज कराने को लेकर के फिर रिम्स कई लोगों को रेफर कर दिया गया है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है, और दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर लालपुर थाने की पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जी इमरान, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, लालपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। तलवार कुदाल साहुल से एक दूसरे पर वार किया गया, जिसमें 9 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, और कुल जो है करीब एक दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं। करम टोलिया ही टोली का ये पूरा मामला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।